ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग का एक अज़म है कि अपने तमाम सब सितारा प्रोवाइडर्स को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग के ज़रिए उनके बिज़नेस में बेहतरी लाई जाए और उन्हें आमदनी में इजाफे के मौके मयसर किए जाएं, ताकि उनका क्लिनिक एक हस्पताल या मैटरनिटी होम का मकाम हासिल करे। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के चंद सब सितारा प्रोवाइडर्स इस ट्रेनिंग से मुस्तफीद होने के बाद क्या कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग से उनके क्लिनिक में क्या बेहतरी आई है और उनकी सर्विसेज में किस तरह से इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजादी मेहरनिसा, लेडी हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान। 2 साल हो गए मुझे अपना क्लिनिक स्टार्ट किए हुए, लेकिन मेरे इतने क्लाइंटेज नहीं थे। जब से मैंने ग्रीन स्टार ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लाइंटेज भी बढ़ी है और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मेरे पास पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन जब से ग्रीन स्टार ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है, मेरे क्लिनिक में इम्प्रूवमेंट आई है। और जो क्लाइंट थे उनको, जो उनके साथ आते थे उनको बैठने में प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए मैंने एक वेटिंग रूम का भी इंतज़ाम किया है उनके लिए भी। उसके लिए भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा उसका भी हो रहा है। और कोशिश है कि ये जो हमें ग्रीन स्टार की ट्रेनिंग दी जा रही है, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है पेशेंट को एग्जामिन करने में। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और जो हमें प्रॉब्लम है वो अल्ट्रासाउंड मशीन की है, और अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तो हम लोग अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं कर पाते प्रेगनेंट वूमेंस को। जब वो होगी तो हम ज़्यादा, हमारा काम बेटर हो जाएगा। तो कोशिश है हमारी कि इंशाल्लाह जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज अरशद है, मैं लेडी हेल्थ विजिटर हूँ फैसलाबाद रोड पे। ये हमारा मनाहिल सर्जिकल हॉस्पिटल है जहाँ हम लोग सर्जरी वगैरह करते हैं। तो ग्रीन स्टार के साथ मेरा 20 साल का लिंक है। ग्रीन स्टार से मैंने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखा है। इसमें ग्रीन स्टार लोगों को मोटिवेशन करना, काउंसलिंग करना, जो हम में कमी पेशी थी वो सारी ग्रीन स्टार की ट्रेनिंग ने हमें दी है। इसकी ट्रेनिंग से मैंने खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई हूँ। NVAP की ट्रेनिंग भी ली है, मल्टी लोड रखना ये भी ट्रेनिंग ली है। हर किस्म का प्रोसीजर इन्होंने सिखाया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने हम लोगों पे बहुत अच्छी इन्होंने काउंसलिंग हमें दी है। ग्रीन स्टार के सारे वर्कर्स, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें निखारा है। डॉक्टरों ने हमें बिजनेस चलाने के मौके बताए हैं कि कैसे आप लोग अपने हॉस्पिटल को आगे लेके जा सकते हैं। ग्रीन स्टार की ट्रेनिंग से हमें अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के बहुत अच्छे मौके मिले हैं। हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसमें हम हर किस्म की सर्जरी करते हैं, मेरे पास मेल फीमेल डॉक्टर्स आते हैं जो सर्जरी करते हैं। हमारे पास लेबॉरेटरी है, मेडिकल स्टोर्स है। मैं पेशेंट को बहुत अच्छा मोटिवेशन करती हूँ। 10 से 15 क्लाइंट्स हो जाते हैं मेरे फैमिली प्लानिंग के। हम लोग बताते हैं कि पेशेंट को कैसे कौन सा मेथड यूज़ करना है फैमिली प्लानिंग में। ये हमें ग्रीन स्टार की ट्रेनिंग से बहुत अच्छी काउंसलिंग मिली है। हम ग्रीन स्टार के बहुत शुक्रगुजार हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मेरा नाम डॉक्टर नरमाना सलीमी है। मैं पिछले 20-22 सालों से उकाड़ा में सलीमी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल रन कर रही हूँ। मेरी सारी प्रैक्टिस गायनियोब्स की है, बीच में ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी मैं इसी के साथ में रन कर रही हूँ पिछले कुछ सालों से। ग्रीन स्टार से मुंसलिक हुए मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए, और इस अरसे में हमने मुख्तलिफ हफ्तों में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की हैं। मुख्तलिफ टीम्स ने हमें ट्रेनिंग करवाई है, इसमें MBA की ट्रेनिंग भी ली, कॉपर टी स्टार्ट में स्टार्ट हुई, फिर मल्टी लोड सेफ लोड की ट्रेनिंग ली, और फैमिली प्लानिंग के मुख्तलिफ जो मेथड्स थे वो भी किए। और इनकी ट्रेनिंग के दौरान जो हमने ये भी सीखा कि जिस तरह ये लोग फील्ड वर्क करते हैं उसके बारे में भी नो हाउ हम लेते रहे साथ साथ। और तकरीबन 1-1.5 साल पहले हमने इनसे बिजनेस स्किल की ट्रेनिंग भी ली, और उसका ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उस ट्रेनिंग के दौरान हमने कुछ ऐसी बातें सीखी जो हम अपने प्राइवेट क्लिनिक में पहले नहीं अप्लाई कर रहे थे। उस ट्रेनिंग का मुझे तो पर्सनली ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने इस सारा आउटडोर इनडोर अपने पूरे इस काम को बढ़ाया भी, और अपना मेरा जो मेरे उसमें मैंने ये भी सिखाया गया था कि आपके स्टाफ के साथ क्या
लाइसेंस होना चाहिए, वो उसमें मेरे बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी जो मैंने इनकी स्किल ट्रेनिंग के बाद उसको दूर किया। और अभी मेरी खासा उस ट्रेनिंग के बाद मैंने वैसे अपनी प्रैक्टिस में खासी चेंज फील भी की, और स्टाफ वाइज भी, और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी। कुछ बिल्डिंग के बारे में भी इन्होंने हमें बताया था कि बिल्डिंग की अपग्रेडेशन कैसे की जा सकती है, ताकि अब आइंदा जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए कैसे हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफत बीबी है, मैं 31 अक्टूबर उखाड़ा से बिलोंग करती हूँ। मुझे ग्रीन स्टार के साथ अटैच हुए 1.5 साल हुआ, और जो मैं अपनी ट्रेनिंग है वो CMW की मैंने की है। तकरीबन मुझे 10 साल हो गए अपना क्लिनिक करते हुए। मुझे ग्रीन स्टार वालों की तरफ से इतनी हेल्प मिली कि फैमिली प्लानिंग के बारे में मुझे काफ़ी मोटिवेशन की गई है। ग्रीन स्टार वालों से बिजनेस ट्रेनिंग मैंने ली, और जब मैंने बिजनेस ट्रेनिंग ली थी उससे पहले मेरा अपना जो क्लिनिक था वो मैंने किसी के घर में बनाया हुआ था, अपनी मदर के घर में। वहाँ पे जब ट्रेनिंग हुई तो मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया गया, बल्कि मैंने अपने जेन को इस चीज़ के लिए आमादा किया कि सबसे पहले मैंने अपना जो है ना वो क्लिनिक स्टार्ट करना है। और तब से मैंने अपना एक गोल बनाया, एक अपना एक ईगो बनाया कि मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करना। और उसकी हेल्प की वजह से मेरे पेशेंट जो एवरेज थी वो भी काफ़ी अच्छी हुई, और मेरे क्लिनिक की जो तरक्की थी वो काफ़ी बेहतर से बेहतर हो गई। और उसके जो मैंने अपने क्लिनिक के जो आमदन आया उसी में से मैंने बचत करके जो मुझे उन्होंने गाइडेंस या बिजनेस में जो भी उन्होंने मुझे एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया था कि कैसे सेविंग करनी है, कैसे सब कुछ करना, कैसे अपने अपना क्लिनिक को मैनेज करना, वो सब कुछ करके आज मैंने अपना क्लिनिक जो है वो एक कमरे की बजाय माशाल्लाह के शुक्र से और ग्रीन स्टार के साथ से मैंने 4 कमरों पर मुश्तमिल अपना एक हॉस्पिटल तामीर किया। और उसके बस कमी जो है वो काम रह गया, और जब वो कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं अपना जो है हॉस्पिटल एक सिंपल नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सर्जिकल सेटअप तक बनाना चाहती हूँ। और ये सब कुछ जो है वो मुझे ग्रीन स्टार वालों की हेल्प से मिला है, और ग्रीन स्टार वालों की जो मैंने बिजनेस ट्रेनिंग की है उसी से मुझे मोटिवेशन मिली है, और मैंने अपने माइंड को इतना जो है ना एस्टैब्लिश किया है कि मैं अब अपना जो काम है बेहतर से बेहतर करना चाह रही हूँ। मेरा नाम शाजिया गुलजार है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रापतन के तहसील आरा वाला एक छोटे से गांव त्रिखनी अड्डा पे बतौर LHP खिदमत अंजाम दे रही हूँ। और ग्रीन स्टार से मैं तकरीबन पिछले नौ माह से मुंसलिक हूँ। ग्रीन स्टार के 9 माह में मैंने बहुत सारी तरबियतें हासिल की हैं, जिसमें से हाल ही में जो हुई है बिजनेस स्किल्स की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, उसने मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा दिया है। उसमें यह है कि पहले मैं अपने क्लाइंट्स को मेडिसन जो है वो नहीं प्रोवाइड करती थी, और इस तरह काफ़ी था कि मुझे ज़रा शर्म फील होती थी कि मैं पेशेंट अपने क्लाइंट से चार्जेस कैसे रिसीव करूं। लेकिन उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, डेवलप किया है मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को, कि मैं क्लाइंट से अब अपनी मशवरा फीस भी लेती हूं और न्यूट्रिशन भी उन्हें देती हूं। उनकी बिजनेस मैनेजमेंट की वजह से मुझे ये भी हुआ कि उनकी प्राइवेट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ फीमेल्स यूज़ करती हैं उनको भी शेयर करना शुरू हो गई हूँ। इसके साथ साथ मुझे ये है कि अब मुझे ये अज़म मिला है ट्रेनिंग से कि 2 से 3 साल के अंदर मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन करना है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपना एक कमरे से लेके बड़े लेवल तक अपना ये सेटअप करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला अरशद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला में एज ए सब सितारा प्रोवाइडर काम कर रही हूँ। और मैं ग्रीन स्टार से तकरीबन 8-9 माह से इनके साथ अटैच हूँ, और ग्रीन स्टार की जो सर्विसेज हैं और जो इनकी ट्रेनिंग्स हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ख़ास तौर पे खास जो सबसे पहले मुझे MEA करने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी, छोटी मेरी स्किल्स ऐसी थी कि मुझे उन पर बिल्कुल कुछ कन्फ्यूजन थी, जो मैंने ग्रीन स्टार की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी सारी वो कन्फ्यूजन दूर हुई हैं। और जिसमें ख़ास तौर पर मेरी MEA और मल्टी लोड सेफ लोड ये करने में मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन आपको अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये बहुत आसानी से कर लेती हूँ, और मेरे पेशेंट मुझसे काफ़ी मुतमिन होके जाते हैं। और इसके बाद जब वो इन ग्रीन स्टार की ट्रेनिंग एक हुई थी बिजनेस के सिलसिले में, वो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे पेशेंट से पैसे मांगने में बड़ी शर्म महसूस होती थी, मैं उनसे फीस नहीं ले सकती थी। तो मैं उस ट्रेनिंग के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना पेशेंट से पैसे लेने शुरू किए, तो उसका मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, और बड़ा उतरा थोड़ा सा मुश्किल भी पेश आई, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश है कि मैं अपने क्लिनिक को और अपने जो है मेरा सेटअप इसको ना मैं ग्रीन स्टार की तौर से और आगे लेकर जाऊँगी।